नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रकाश और आप सभी का स्वागत है टेक्नो न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों ने कोरोना कवच ऐप के बारे में तो सुना होगा कि भारत सरकार इस ऐप को लाने वाली है और कई लोग दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करना भी चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ऐप को अभी आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस ऐप की अभी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग के कारण दोस्तों केवल गिने चुने लोगों को ही ये ऐप मिला है। तो जैसे ही टेस्टिंग में पास हो जाएगा तो आपको ये ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों, काफी लोगों का ये भी सवाल होगा कि इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कैसे यूज करना होगा, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब दोस्तों इस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको इस ऐप को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, तो आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उसे भी आपको सबमिट कर देना है। वैसे आपका अकाउंट बन जाएगा। और दोस्तों, आपको लोकेशन ऑन करने के लिए कहेगा, तो आपको लोकेशन भी ऑन कर देनी है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। जैसे आप लोकेशन ऑन कर देते हैं तो आपको ये फायदा होगा कि अगर आप किसी भी एरिया में जाते हैं और वहां पे कोई कोरोना से संक्रमित कोई लोग होगा या फिर कोई पेशेंट होगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस एरिया में कोरोना संक्रमित लोग हैं, तो आप उस एरिया से निकल सकते हैं। और दोस्तों, इसमें लाइट के मुताबिक भी आपको अलर्ट किया जाएगा कि अगर ग्रीन लाइट होगी तो आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, आपके आसपास कोई कोरोना पेशेंट नहीं है। और अगर ग्रीन लाइट होगी तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपके आसपास कोरोना पेशेंट है। और दोस्तों, इस ऐप में आपको जो भी मरीजों की जो संख्या बढ़ती रहती है कोरोना के कारण, उनकी डिटेल भी आपको मिलती रहेगी कि कितनी डेथ होती है, कितने मरीजों की संख्या बढ़ी, कितने रिकवर हुए। तो दोस्तों, इस ऐप को आपको ऐसे ही यूज करना होगा। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी कमाल की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।